हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे परी चौधरी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं करौंदे का अचार, जिसके लिए हमने करौंदों को अच्छी तरह से धो लिया है और धोकर इसको हमने काट लिया है। ये देखिए, हमने इनको काट लिया है, दो दो भागों में हमने इनको काटा है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम इसको एक बर्तन में करेंगे और बर्तन में हम इसको सारी रात के लिए नमक लगाकर रखेंगे। इसमें नमक डालकर रखेंगे एक चम्मच। इन्हें हमने सुखा लिया है एक दिन की धूप में, करौंदों को। ये देखिए सूख कर कैसे हो चुके हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे हम धनिया, सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और एक दो लौंग डालेंगे, अजवाइन डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से सारे मसालों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी नमी हो सारी निकल जाए और अचार हमारा खराब ना हो। थोड़ी सी डालेंगे इसमें मिर्च, इन्हें भी अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। मसाले चटकने शुरू हो चुके हैं और खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। थोड़ा और रोस्ट करेंगे। मसाला भुन चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा होने के लिए रखते हैं। मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में करेंगे और इसको हल्का मोटा मोटा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। इससे अचार मोटे मोटे मसाले से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह का मसाला हमें पीस कर तैयार करना था। ये ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा है। अब हम करौंदों को लेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है, वो सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक हमने पहले, जब हमने एक रात के लिए रखा था इसको, तब हमने इसमें नमक डाला था, तो उसी हिसाब से हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। कलौंजी डालेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल ले रहे हैं ये हम, और सारे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अचार में मसाला और तेल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे और इसको हम 3-4 दिन के लिए धूप ज़रूर दिखाएंगे ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। और ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब अचार को हम जार में करेंगे। जार को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ करके सुखा लिया था। ये अचार झटपट बनकर तैयार हो जाता है और इसे पूरी पराठे के साथ आराम से खा सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, जार में कर दिया है हमने अचार और ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके, और कमेंट में बताना कि आपको करौंदे के अचार की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।